संजय दत्त ने 1987 में ऋचा शर्मा से पहले शादी की थी। न्यूयॉर्क में पली बढ़ी ऋचा उस समय 3 से 4 फिल्मों में काम कर चुकी थी, लेकिन उनकी बीमारी ने उनके उभरते करियर पर ब्रेक लगा दिया। संजय दत्त की बायोपिक दिकुरेजी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बॉलीवुड बैड बॉय संजय दत्त में लेखक यासीर उस्मान ने लिखा है, ऋचा को जब अपनी बीमारी के पहले लक्षण दिखे तब उनकी बेटी त्रिशाला 4 माह की थी। कुछ समय बाद जब संजय और ऋचा एक विजिट के दौरान दिल्ली में थे तब ऋचा को असहज महसूस हुआ और वे डॉक्टर के पास चेकअप कराने लगी, जबकि संजय अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट पूरे करने के लिए मुंबई जाने लगे। जब संजय दिल्ली से मुंबई के लिए फ्लाइट पकड़ने वाले थे तब एयरपोर्ट पर एक अनाउंसमेंट हुआ जिसमें संजय को फोन के पास बुलाया गया और उनसे फ्लाइट कैंसिल करने को कहा गया। बाद में उन्हें पूरी बात समझाई गई। दरअसल ऋचा को डॉक्टर ने ब्रेन ट्यूमर बताया था, वे MRI रूम में थी। इस खबर को पाकर संजय सदमे में आ गए। बाद में ऋचा का अमेरिका में इलाज चला। ऋचा इस बीमारी से बच नहीं सकी। 10 दिसंबर 1996 में ऋचा शर्मा का निधन हो गया। ऋचा ने देव आनंद के साथ 1985 में फिल्म हम नौजवान से डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने अनुभव, इंसाफ की आवाज, सड़प छाप, आग ही आग आदि फिल्मों में काम किया। संजय दत्त की जिंदगी पर बनी फिल्म संजू 29 जून को रिलीज हो रही है। इसमें उनकी निजी जिंदगी की बहुत सी बातें उजागर होंगी। बताया गया कि सोनम कपूर संजय दत्त की पहली पत्नी ऋचा शर्मा के किरदार में हैं। दोस्तों, आपको हमारे दोबारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो यह इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।